a boom bonanza. Shake your body like a belly dancer. तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो आज के इस वाले वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि जो 3D जूम इफेक्ट है वो कैसे ऐड करना है अपने रील्स में। आपने प्रीव्यू में तो देख लिया होगा कि वीडियो कैसे बनी है, तो हम भी देखने वाले कि वो वीडियो कैसे बनने वाली है। तो वीडियो स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखते रहिएगा, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और वीडियो काफ़ी दिनों बाद अपलोड हो रही है क्योंकि थोड़ा सा स्कूल वर्क की वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रहा था। सो चैनल फिर से एक्टिव हो चुका है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले कैपकट एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल से, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दूसरी बार आपको XVPN डाउनलोड करना है जो VPN के रूप में काम करेगा, क्योंकि आपको जो कैपकट एप्लीकेशन है वो विदाउट VPN वर्क नहीं करेगा। और ध्यान रखिए कि XVPN का आप मोड APK डाउनलोड। तो सबसे पहले VPN कनेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद कैपकट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इंस्टॉल करने के बाद आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको एक वीडियो क्लिप ले लेनी है और 6 पिक्चर्स ले लेने हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी एक वीडियो क्लिप ले लेता हूँ, उसके बाद 6 फोटोज सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको वीडियो में इन एनिमेशन लगा देना है, यानी कि शेक इफेक्ट लगा देना है, ताकि फर्स्ट फोटो को लोड होने के बाद एक शेक इफेक्ट अपने वीडियो पर आ जाए। और उसके बाद आपको फोटो को जो है थोड़ा सा क्रॉप करके सिलेक्ट कर देना है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। तो अब आपको एक 3D जूम प्रो इफेक्ट लगाना है। तो 3D जूम प्रो इफेक्ट के लिए आपको सिंपली स्टाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और वहाँ पर आप 3D जूम प्रो इफेक्ट लगा सकते हो। सो मैं बेसिकली सारे क्लिप्स पर वो जूम इफेक्ट नहीं लगा रहा हूँ, मैं कुछ थोड़े ही क्लिप्स पर वो जूम इफेक्ट लगा रहा हूँ। आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लिप पर लगाना चाहते हो। Shake your body like a belly dance.